फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द इंडियन एक्सप्रेस वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब24 ऐप। और फ्रेंड्स, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करना है तो वाईफाई स्टडी की हेल्प लेना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पे आपके लिए 300 से ज़्यादा वीडियोस मिल रहे हैं, वीडियो कोर्सेज में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में 500 मॉक टेस्ट हैं। अगर आपको कोई भी कॉल करना है, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7023336 75 के ऊपर। साथ में वोकैब24 के प्राइम मेंबर बनना बिल्कुल ना भूलिए। फ्रेंड्स देखिए, एक न्यूज़पेपर के भी कम कॉस्ट से अगर आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा है इंग्लिश का, तो उसको ग्रैब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपकी इंग्लिश डे बाय डे इंप्रूव हो सके और डेली लाइफ के साथ में एग्जाम भी आप अच्छे से क्लियर कर सकें। देखते हैं आज का अपना पहला वोकैब क्या है। वो है गाइल, जो कि नाउन है, जिसका मतलब होता है कनिंग इंटेलिजेंस। तो जो बहुत ही ज़्यादा कनिंग होता है, इंटेलिजेंट होता है, चतुर होता है, उसको गाइल कहते हैं। क्राफ्टीनेस, आर्टिफिस, विलीनेस, श्लाइनेस, कनिंगनेस, डिवियसनेस, ये सब इसके सिनोनिम है। जहाँ पे ओके, क्राफ्टीनेस इंपॉर्टेंट है, डिवियसनेस इंपॉर्टेंट है, और एंटोनिम्स क्या होंगे? फोर्थराइटनेस, ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्थीनेस। और एग्जांपल, अ प्रीस्ट इन एन ऑनेस्ट मैन हु डज नॉट यूज गाइल टू डिसीव अदर्स। यानी जो प्रीस्ट होते हैं वो एक ऑनेस्ट मैन होता है, और जो किसी के साथ में भी किसी भी तरीके की कोई छल कपट नहीं करते हैं। रिलेटेड वर्ड क्या है? गाइलनेस और गाइललेसली। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। गिलहरी बहुत गाइल होती है, हाथ नहीं आती। तो आपने देखा होगा जो गिलहरी होती है ओके, वो कितनी फास्ट होती है और कितनी गाइल होती है ओके, कितना ही कोशिश कर लो आप इसको घेरने की, इतनी चतुर होती है, कनिंग होती है, कि ये निकल ही जाएगी और कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से गाइल को आप गिलहरी से लेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। आपने बचपन में ट्राई किया होगा पकड़ने के, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाए होंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत गाइल होती है, गिलहरी बहुत गाइल होती है, कभी भी हाथ नहीं आती। तो इस तरीके से गिलहरी को गाइल से लेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो जो भी चतुर पर्सन है, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा आपको लगता है, तो आप ये वोकैब वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये बहुत ही गाइल है, तो उसके बाद में आप कभी भी इस वोकैब को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है संशयवादी। एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा डाउट करता है किसी भी चीज़ के ऊपर, भगवान की एग्जिस्टेंस के ऊपर, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। स्केप्टिक, डाउटर, क्वेश्चनर, डाउटिंग, थॉमस, अनबिलीवर, और आइटम्स क्या है? बिलीवर, एड्रेंट ऑफ, डिसाइपल ऑफ। अब यहाँ पे स्केप्टिक इंपॉर्टेंट है। स्केप्टिक का मतलब होता है जो चीज़ें अनक्लियर होती है, यानी कि आपको जो चीज़ के ऊपर डाउट होता है। एग्जाम्पल क्या है? एज अ प्रिस्ट माई अंकल विलियम हैज़ नेवर हैड एन एग्नोस्टिक एक्सपीरियंस दैट कॉज्ड हिम टू क्वेश्चन हिज फेथ। यानी कि एज ए प्रिस्ट, मेरे जो अंकल है विलियम, वो कभी भी उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर शंका नहीं करी है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए उनका फेथ हमेशा बना रहा। और इसके रिलेटेड वर्ड क्या है? एग्नोस्टिसियम, यानी कि अक्षयवाद, और ओरिजिन कहाँ से? ग्रीक वर्ड से है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। नास्तिक तो आपको बताइए कौन लोग होते हैं, जो कि भगवान को नहीं मानते। तो नास्तिक से भी दो कदम आगे होता है एग्नोस्टिक ओके, एक तो होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक। नास्तिक जो नहीं मानते भगवान को, आस्तिक जो कि भगवान को मानते हैं। और जो नास्तिक है ओके, उससे भी दो कदम आगे होता है एग्नोस्टिक। नास्तिक तो ये है कि चलो नहीं मानता तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्नोस्टिक ऐसा पर्सन है जो कि डाउट करता है उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर, तो वो तो उससे भी दो कदम आगे है। तो इस तरीके से हम इसे याद भी कर सकते हैं कि नास्तिक से दो कदम आगे एग्नोस्टिक। तो नास्तिक और एग्नोस्टिक, देखिए दोनों कितने सिमिलर से वर्ड हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, वो क्या आपको हमेशा नास्तिक से रिलेट करके। नेक्स्ट है आर्च, जो कि एक प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है चीफ या फिर प्रिंसिपल, प्रधान या फिर मुख्य, फॉरमोस्ट, लीडिंग, मेन, प्री एमिनेंट, कार्डिनल, मेजर, प्राइम, प्रीमियर। और आइटम्स क्या है? एक्सिलरी, इनसिग्निफिकेंट, सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट। और एग्जाम्पल, इन क्रिकेट इंडिया एंड पाकिस्तान आर्च राइवल्स। ओरिजिन कहाँ से? ग्रीक वर्ड्स है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। ये आज हमारी टीम के आर्च बॉलर हैं। तो ये आज हमारी टीम के कैसे बॉलर है? आर्च बॉलर है, यानी कि सबसे मेन बॉलर है। किसकी बात कर रहे हैं? भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे हैं, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार की बात करें। आज ये हमारी टीम के सबसे आर्च बॉलर है, यानी कि सबसे मुख्य बॉलर है ओके, इस तरीके से आज को आर्च से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं कि आज हमारी टीम के ये कैसे बॉलर है? आर्च बॉलर है, यानी कि मुख्य बॉलर है ओके। नेक्स्ट है कन्वर्जन, जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है वायलेंट सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल। तो कभी भी जो पॉलिटिकल की वजह से या किसी भी मुद्दे की वजह से जो खलबली मच जाती है, उसको कन्वर्जन कहते हैं। अपहीवल, इरप्शन, टर्मोइल, टर्बुलेंस, अनरेस्ट, डिसऑर्डर। और आइटम्स के हार्मनी, पीस एंड ऑर्डर। अब यहाँ पे अपहीवल भी इंपॉर्टेंट है और साथ में टर्मोइल भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, आफ्टर रेजिग्नेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट द कंट्री वॉज कन्वर्ज्ड बाय पॉलिटिकल वॉर। यानी कि जब प्रेसिडेंट ने क्या दिया? रेजिग्नेशन दिया,
तब कंट्री के अंदर खलबली मच गई, पॉलिटिकल वॉर हो गई। ठीक है, अब इसके वर्ब फॉर्म देखिए, कन्वर्ज, कन्वर्ज एंड कन्वर्ज, लेटेंट वर्ड क्या है, कन्वर्ज यानी कि थ्रो अ कंट्री इनटू वायलेंट सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल। अब देखिए इसके ट्रिक कितनी आसान है, अगर कोई रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है हमारे यहाँ तो कन्वर्जन हो जाता है। तो आपको पता ही, अगर अपने देश के अंदर कोई रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है तो कितना बड़ा कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि हंगामा हो जाता है, जबकि एक ये फंडामेंटल राइट है किसी का। ओके, फंडामेंटल राइट है, अगर कोई कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पर रिलीजन कन्वर्ट करने कर ले कोई, तो क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि खलबली हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्ट को हम कन्वर्जन से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। कन्वर्ट और कन्वर्जन देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है, और इस तरीके से आप इन दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अगर कोई रिलीजन कन्वर्ट कर ले तो हमारे यहाँ कन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट है कोजी अप, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मूव क्लोज टू समवन फॉर वार्मथ और लव और कम्फर्ट, तो आरामदायक या आश्वासन की स्थिति में पहुंचना। तो अगर आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, ठीक है, अगर किसी के क्लोज होते हैं कंफर्टेबल पोजीशन के लिए, अगर अपने दोस्तों के पास में जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, ओके, टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, तो उसको कोजी अप कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम क्या होता है, स्नगल अप, मूव टू कंफर्ट, पोजीशन कंफर्टेबली। फॉर एग्जांपल, व्हेन द कैप्टन स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी द टीम कोज्ड अप टुवर्ड्स अ गुड स्कोर, यानी जब कैप्टन ने डबल सेंचुरी मार दी तो टीम एक आरामदायक स्थिति में पहुंच गई। वर्ब फॉर्म्स क्या है, कोजी अप, कोज्ड अप एंड कोज्ड अप। अब देखिए इसके ट्रिक कितने आसान है, आपने क्लोज अप के ऐड तो सुने होंगे, तो इस ऐड में दिखाते हैं कि क्लोज अप यूज करने से कोजी अप हो जाएंगे। ओके, तो क्लोज अप यूज करने से कोजी अप हो जाएंगे, यानी कि आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाओगे। ओके, तो चाहे कितनी भी आपके, अगर ऑब्वियसली स्माइल अच्छी है तो ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो कैसी कंडीशन में पहुंच जाओगे, कोजी कंडीशन में पहुंच जाओगे। तो क्लोज अप को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोजी अप से रिलेट करके इसे याद कर रहे हैं। ठीक है, कि इस ऐड में दिखाते हैं कि क्लोज अप यूज करने से आप कोजी अप हो जाओगे। ओके, यानी कि बहुत ही कंफर्टेबल कंडीशन में पहुंच जाओगे। तो क्लोज अप को आप कोजी अप से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनअबैज्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अविचलित, जो अपने डिसीजन के ऊपर स्टैंड रहे, भटके ना। ठीक है, उसको कहते हैं अनअबैज्ड। सिनोनिम क्या है, ऑडेशियस, फर्म, अनयील्डिंग, अनफ्लैटरिंग, अनसर्विंग, और एंटोनिम्स है इनफर्म, मूवेबल, फ्लैटरिंग। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजमेंट वॉज अनअबैज्ड ऑन इट्स डिसीजन ऑफ नॉट हाइकिंग द सैलरी, यानी जो मैनेजमेंट था वो अविचलित था, बहुत ही अड़ा हुआ था अपने डिसीजन पे कि वो सैलरी इंक्रीज नहीं करेंगे। रिलेटेड वर्ड क्या है, मेक समवन फील एम्बैरेस्ड, डिसकंसर्टेड और अशेम्ड, और वर्ब फॉर्म्स क्या है, अबैश, अबैश्ड एंड अबैश्ड। अब देखिए इसके ट्रिक कितने आसान है, ऐश अभी दोनों अपनी लाइफ में रिलेशन को लेकर अनअबैश्ड हैं। तो ऐश और अभी दोनों अपनी लाइफ में रिलेशन को लेकर कैसे हैं, अनअबैश्ड है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी और ऐश को रिलेट करके मैं अनअबैश्ड याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही अपने रिलेशन को लेकर कैसे हैं, बहुत ही डिटरमाइंड है, ठीक है, ऑडाशियस है, बहुत ही फर्म है, ठीक है, बिल्कुल भी अविचलित है। तो इस तरीके से अभी और ऐश, इन दोनों को मिला के अनअबैश्ड से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं कि अभी और ऐश दोनों अपने रिलेशन को लेकर अनअबैश्ड है, यानी कि दोनों ही पक्के हैं। नेक्स्ट है गेरीमैंडर, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिवाइड एन एरिया इनटू पॉलिटिकल यूनिट टू गिव स्पेशल एडवांटेज टू वन ग्रुप अचीव अ रिजल्ट बाय गेरीमैंडरिंग, अनुचित लाभ की नीयत से क्षेत्रों का निर्धारण करना। तो कभी भी आप किसी चीज के लिए कोई एरिया बना देते हो, ठीक है, और किसी एक को फायदा पहुंचाते हो, जैसे कि इंडिया में स्टेट्स बने हुए हैं, और अगर मैं किसी प्रधानमंत्री किसी एक स्टेट के ऊपर स्पेशल फोकस करें तो उसको गेरीमैंडर कहेंगे। ओके, अब इसके सिनोनिम क्या है, फीडल, फॉल्सिफाई, टैम्पर विद, जगल, और एंटोनिम से बी फेयर, बी ऑनेस्ट। और एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल पार्टी होप टू गेरीमैंडर बाय चेंजिंग द जियोग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ द वोटिंग एरियाज, एंड जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने क्या किया, गेरीमैंडर किया, ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स को चेंज करके वोटिंग एरियाज में बदल के। वर्ब फॉर्म्स क्या है, गेरीमैंडर, गेरीमैंडर्ड एंड गेरीमैंडर्ड। अब देखिए इसके ट्रिक कितने आसान है, गैरी क्रिश्चियन ने टीम को भी गेरीमैंडर नहीं किया। ठीक है, अब देखिए गैरी क्रिश्चियन ने टीम को कभी गेरीमैंडर नहीं किया, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, आप जब, आपको पता ही है जब वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था तो गैरी क्रिश्चियन टीम के कोच थे, तो गैरी क्रिश्चियन ने उस टाइम पे कभी भी टीम को डिवाइड नहीं किया किसी भी एरिया के अंदर। ऐसा नहीं किया कि भाई यूपी वालों को टीम में अलग कर दिया जाए, हरियाणा वालों को अलग कर दिया जाए, महाराष्ट्र दिल्ली वालों को अलग कर, ऐसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ग्रेग चैपल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए थे टीम के अंदर, लेकिन गैरी क्रिश्चियन के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गैरी क्रिश्चियन ने क्या नहीं किया था, गैरीमैंडर नहीं किया था,
ओके, गैरी मैंडर नहीं किया था। तो इस तरीके से गैरी क्रिश्चियन को आप गैरी मैंडर से लेट करके आप इसे याद कर सकते हैं कि गैरी क्रिश्चियन ने टीम को भी कभी गैरी मैंडर नहीं किया, यानी कि कभी भी क्या नहीं किया, उनको डिवाइड नहीं किया। नेक्स्ट है असिडियसली, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, लगन से, परिश्रम से। ओके, डिलीजेंटली, केयरफुली, लेबोरियसली, आर्डियसली, इंडिफैटिगेबली, रैंडम्स क्या, आइडली, इनएक्टिवली, स्लगिशली। अब यहाँ पे कई सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे डिलीजेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेबोरियस इंपॉर्टेंट है, आर्डियस इंपॉर्टेंट है, साथ में स्लगिश इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, विथ आर असिडियस अटैम्प्ट एट लर्निंग स्पेनिश आई थिंक यू विल मास्टर द लैंग्वेज इन नो टाइम, यानी कि जिस तरीके से आप लगन से स्पेनिश सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जल्दी ही इस लैंग्वेज को सीख लेंगे। असिडियस परिश्रमी, अब देखिए इसको याद करने का कितना अच्छा तरीका है, एस की तरह 14 घंटे काम करता है तो असिडियस है। तो देखिए एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब डोंकी होता है। तो अगर देखिए कोई बिल्कुल ही डोंकी बन के 14 घंटे काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ले सकते हैं। तो हम इसे पॉजिटिव तरीके से लेंगे कि एस की तरह अगर कोई 14 घंटे काम करता है तो कैसा है, असिडियस है, यानी कि बड़ा ही परिश्रमी पर्सन है, ठीक है। तो जैसे कि एस एक बहुत ही परिश्रमी होता है, एक एनिमल होता है, वैसे ही अगर कोई इंसान भी एसिडियस होता है तो कैसा होता है, बहुत ही परिश्रमी होता है। तो इस तरीके से एस से हम इसको एसिडियस को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिंक, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है ए वीक स्पॉट दैट मे लीव वन वल्नरेबल। तो बहुत ही एक जो कमजोरी वाला पॉइंट होता है उसको चिंक कहते हैं, वल्नरेबिलिटी, वीक पॉइंट, और साथ में सॉफ्ट स्टॉप, आर्किंग हील्स, रैंडम्स का स्ट्रेंथ, टेनासिटी, फर्मनेस। अब और एग्जाम्पल, रिटायरमेंट ऑफ धोनी फ्रॉम क्रिकेट मे क्रिएटेड चिंक्स एज देर इज नो वायबल ऑप्शन अवेलेबल फॉर द टीम, यानी जो धोनी का रिटायरमेंट होगा क्रिकेट से तो एक वो कमजोरी क्रिएट कर देगा जिसका कोई ऑप्शन नहीं है टीम के पास में। अब देखिए इसके ट्रिक कितने आसान है, चंकी पांडे की बहुत सारी मूवीज में एक्टिंग चिंक थी। तो चंकी पांडे की जो बहुत सारी मूवीज थी उसमें क्या थी, एक्टिंग कैसी थी, चिंक थी। तो चंकी को मैं चिंक से लेट करके इसे याद कर रहा हूँ। आपको बताइए, चंकी पांडे कोई ऐसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं रही कभी एक्टिंग के अंदर या कभी भी किसी चीज़ में, तो उनको उन्होंने हालांकि मूवीज़ बहुत सारी करी है, अच्छी मूवीज़ भी करी है, लेकिन चंकी पांडे की बहुत सारी मूवीज़ में इनकी एक्टिंग कैसी थी, चिंक थी, यानी कि कमज़ोर थी। तो इस तरीके से चंकी को चिंक से लेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेस्को, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है असफलता। तो ए कम्प्लीट फेलियर, स्पेशली ए ल्यूडिक्रियस और ह्यूमिलेटिंग वन। फेलियर, कैटास्ट्रॉफ, डिबेकल, शैम्बल, रिनेंसिएशन, ये सब इसका क्या होता है, असफलता होती है। फेस्को भी जिसको कहते हैं अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, सक्सेस, ट्रम्प, विन, ये सब इसके एंटीनम्स हैं। और यहाँ पर डिबेकल और शैम्बल, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, वैन द टीम डिड नॉट परफॉर्म वेल एंड लॉस द मैच बाय एन इनिंग एंड 280 रन्स, इट वॉज अ फेस्को। यानी कि जब एक टीम ने परफॉर्म नहीं किया और एक मैच इनिंग और 280 रन से हार गई, तो ये एक बहुत बड़ी असफलता थी। और ये इटालियन वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं इसके ट्रिक कितनी आसान है। देखिए, एक ब्रिज है जो कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। तो एक सैन फ्रांसिस्को में ब्रिज फेस्को हो गया, तो फ्रांसिस्को में क्या हो गया, ये ब्रिज टूट गया, यानी कि असफल हो गया, यानी कि फेस्को हो गया। तो मैं फ्रांसिस्को को मैं फेस्को से लेट करके इसे याद कर रहा हूँ, ओके, कि सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज क्या हो गया, फेस्को हो गया, यानी कि असफल हो गया। तो इस तरीके से सैन फ्रांसिस्को को आप फेस्को से लेट करके इसे याद कर सकते हैं हमेशा के लिए। और क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ये आपने जो 5 तारीख को पूछा गया था उसका जो सही आंसर है वो सी, इसका सही आंसर है। काफ़ी लोगों ने आंसर सही भी किया है। और आज का डल किट आपके सामने, आपको सिनोनिम बताना है, मोस्ट सिमिलर बताना है इन सभी में से, और कमेंट करके इसका आंसर देना है। मैच दो कॉलम में देख सकते हैं कौन कौन से आपने आज कैसे याद किए हैं। गायल को गिलहरी से लेट किया आपने, कि गिलहरी बहुत गायल होती है, यानी कि होशियार होती है। एग्नोस्टिक, दो नास्तिक से दो कदम आगे, एग्नोस्टिक जो कि भगवान के ऊपर डाउट करता है। आर्च, ये आज हमारी टीम के आर्च बॉलर है, यानी कि बहुत ही प्रधान बॉलर है। कन्वर्जन, रिलीजन कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे यहाँ कन्वर्जन हो जाते हैं, यानी कि खलबली मच जाती है। कोजी अप, क्लोज अप यूज़ करने से आप कोजी अप हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। अनअबैज, अब भी और आज दोनों ही अनअबैज अपने रिलेशनशिप को, यानी कि बहुत ही अटल हैं। गैरीमेंडर, गैरी क्रिश्चियन ने कभी गैरीमेंडर नहीं किया, यानी कि डिवाइड नहीं किया। एसिडियस, एस की तरह एसिडियस काम करते हैं, यानी कि परिश्रम करते हैं। चिंक, चंकी पांडे की एक्टिंग चिंक थी, यानी कि कमज़ोर थी। और फेस्को, सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज फेस्को हो गया, यानी कि असफल हो गया। तो इस तरीके से आप मैच द कॉलम को याद कर सकते हैं। और कल देखिए 3 ट्रिक बहुत अच्छी आई है। कल मैंने आपको प्लॉडिट वर्ड दिया था जिसका मतलब होता है प्रेस करना। अब देखिए, ऑडिटोरियम की डेकोरेशन को सबने प्लॉडिट किया, ओके, तो ऑडिटोरियम को प्लॉडिट किया, तो इस तरीके से इन्होंने, जोशी जी ने किया है,
आशुतोष गौतम जी ने किया है, ऑडिट अच्छी करी तो प्लॉडिट किया। तो देखिए, किसी ने अगर ऑडिट बहुत अच्छी करी है तो उसको क्या किया, प्लॉडिट किया, यानी कि उसकी तारीफ करी। तो इस तरीके से आप ऑडिट और प्लॉडिट को रिलेट करके याद कर सकते हैं। और रोहित जी बोलते हैं कि उदित कुमार के काम की सब प्लॉडिट करते थे, तो उदित को प्लॉडिट से रिलेट किया इन्होंने, उदित को प्लॉडिट से, कि उदित नारायण के गाने की सभी लोग प्रशंसा करते थे। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं और हमेशा अपने डिक्शनरी में एड ऑन कर सकते हैं। आज का जो वर्ड है वो है ल्यूनाइन। उम्मीद है कि आप इसका सही से मीनिंग निकाल के इसकी ट्रिक बना के भेजेंगे ताकि सभी के लिए बेनिफिट हो। साथ में सेंटेंस फ्रेमिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो पैराग्राफ बहुत अच्छे भेजे हैं ऋषभ जी ने और शिवानी शर्मा जी ने। उम्मीद है कि आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही होगी डे बाय डे, साथ में लोगों को भी काफ़ी इससे बेनिफिट हो रहा होगा जो लोग रीडिंग कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, कमेंट किया होगा, और GK24 और वोकैब 24 डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।